लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर बने सई नदी के पुल की मरम्मत के आदेश जारी की गई है। वही आदेश अब प्रशासन की गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। यह हम नहीं, तस्वीरें कह रही है। सई नदी के पुल के आवागमन बाधित होने के बाद एक लोहे के छोटे से पुल से गुजर रहे सैकड़ों लोग अपनी जान को हथेली में लेकर गुजर रहे हैं। दरअसल मामला रायबरेली से होकर गुजर रहे लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे का है। इस हाईवे को मजबूती देने के लिए पुल का निर्माण 1966 में किया गया था। मरम्मत ना होने के चलते पुल जर्जर हालात में देखने को मिल रहा है। सरकार के आदेश पर पुल की मरम्मत का काम चालू कर दिया गया है। रोजमर्रा के आवागमन के लिए लोगों को एक ऐसे रास्ता चुना लिया है जो लोहे का पुल बना है, जिसकी क्षमता 20 लोगों की ही है। इस नजरों में साफ है कि पुल अब मौत को दावत दे रहा है। के पास क्या हुआ? ये जो है मेन वाला पुल जो जर्जर हुआ, जिसके कारण से इधर की गाड़ी आती जाती है, मगर जो है पुल ये भी टूटा हुआ सर, पुल ये भी टूटा हुआ सर, और मगर जो है पैदल आदमी निकल जाते हैं और हम लोग खाली वापस चले जाते हैं। जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमको जैसे सूचना मिले मौके पर आकर लोगों को रोक रहे हैं। ये पब्लिक है, बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। जो लोग पुल में फंसे हैं